Hi guys, this is Amit Borkar and once again most welcome on my YouTube channel Amit Biology. So last वाला मेरा video lecture था Morgan के dihybrid cross के लिए part 3, Morgan experiment part 3. And that video lecture we discuss about the how gamete formations occurs in a dihybrid cross. ठीक है? तो हमने dihybrid cross के लिए दो examples हम ले रहे हैं, उसमें से एक example हमने लिया था, कौन सा? White miniature female एंड वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी मेल. ठीक है, इनके बीच में जो डायब्रिड क्रॉस था वो डायब्रिड क्रॉस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसका एफ वन प्रोजेनी इस तरह से बना था, वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी फीमेल एंड वाइट मिनिएचर्स मेल, इस तरह से. ठीक है, और उसके बाद ये जो एफ वन प्रोजेनी बना है उसका जो कुछ भी गेमिट फॉर्मेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है, ये फीमेल के लिए गेमिट्स और ये मेल के लिए गेमिट्स. ठीक है, तो एफ वन प्रोजेनी के जो गैमिट्स है ये किस तरह से बने हुए हैं ये लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल्स में आपको समझाया हुआ है. ठीक है, तो आप वो वाला मेरा वीडियो लेक्चर एक बार अच्छी तरह से देख लेना. सो अभी हमारे पास एफ वन प्रोजेनी के गैमिट्स है, फीमेल के भी और मेल के. तो ये एफ वन प्रोजेनी के जो कुछ भी गैमिट्स है, अब ये एफ वन प्रोजेनी के गैमिट्स क्रॉस करेंगे और एफ टू प्रोजेनी फॉर्म करेंगी. तो ये F2 प्रोजेनी किस तरह से बनती है इस डायहाइब्रिड मॉर्गन के डायहाइब्रिड क्रॉस में, वही आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव, लुक हियर, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ दी फीमेल गैमेट्स. विच आर दे? एक जो है वो WM है, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है W प्लस M, थर्ड वाला W M प्लस, मैं यहां पे नंबर भी दे देता हूं, चलो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाला जो है W प्लस M प्लस. ओके, सो ये किस तरह से गैमेट्स बने मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया है. सो अभी ये जो चार फीमेल के गैमेट्स है, दिस फीमेल गैमेट्स इज नाउ क्रॉस विद द मेल गैमेट्स. किनके साथ क्रॉस होंगे? मेल गैमेट्स के साथ, बोथ मेल के एक्स एंड मेल के वाई क्रोमोजोम के साथ भी. तो हम वन बाय वन, सबसे पहले हम मेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ उसका क्रॉस करेंगे, देन वी विल क्रॉस विथ अ वाई क्रोमोजोम ऑफ दी मेल. सो चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं, क्रॉस विथ सबसे पहले फीमेल के पास. तो फीमेल का जीनोटाइप क्या है? डब्ल्यू एम. ओके, सो इसके साथ क्रॉस होकर अभी कौन सी प्रोजेनी बनेगी फीमेल के लिए पर्टिकुलर? सो देखो, इस डब्ल्यू एम नाउ क्रॉस विथ दिस एक्स क्रोमोजोम कंटेन्स द डब्ल्यू एंड एम. सो उसका पहला प्रोजेनी जो बनेगा ये बनेगा डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम. ठीक है, इस तरह से बनेगा. दूसरा देखो, डब्ल्यू प्लस एम क्रॉस विथ डब्ल्यू एम. तो दूसरा जो प्रोजेनी बनने वाला है इसका W प्लस एम, W प्लस एम क्रॉस विथ डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम. ठीक है, ये दूसरा. अब तीसरा देखो, W M प्लस क्रॉस विथ W M. तो फिर से यहां पे होगा जो W M प्लस क्रॉस विथ डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम. एंड फाइनली जो फोर्थ वाला है डब्ल्यू प्लस एम प्लस क्रॉस विथ डब्ल्यू एम. सो वो बनेगा डब्ल्यू प्लस एम प्लस क्रॉस विथ
डब्ल्यू एम, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेंगे, फीमेल के गैमेट, फीमेल के सॉरी, इस तरह से फीमेल गैमेट्स जो मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस होगा। अभी सेम फीमेल के गैमेट्स मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ भी क्रॉस होंगे, तो हम यहां पे वो भी लिख रहे हैं। देखो ये हो गया मेल के लिए, अब सेम दिस फोर गैमेट्स नाउ क्रॉस विथ अ मेल वाई क्रोमोसोम, तो मैं यहां पे वाई क्रोमोसोम लिख कर देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये हो गया वाई क्रोमोसोम, तो मैं ये जो चार गैमेट्स है अब ये वाई क्रोमोसोम के साथ क्रॉस होंगे। तो पहले कौन सा है, फीमेल का ये पहला गैमेट्स डब्ल्यू एम, जो डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम। तो यहां पे मैं यहां पे लिख लेता हूं एक, ये सेकेंड, ये थर्ड, आपको समझने के लिए फोर्थ। उसी तरह यहां पे भी फर्स्ट वाला कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा डब्ल्यू एम एंड वाई क्रोमोसोम। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डब्ल्यू एम एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। उसी तरह देखो दूसरा डब्ल्यू, यहां पे दूसरा, ये दूसरा होगा डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ये तीसरा होगा और ये चौथा, ठीक है। तो सेकेंड वाला था डब्ल्यू प्लस एम वाई क्रोमोसोम, तो यहां पे भी मैं लिख लेता हूं डब्ल्यू प्लस एम क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तीसरा भी देख लो आप डब्ल्यू एम प्लस क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम, तो यहां पे मैं तीसरा भी लिख लेता हूं डब्ल्यू एम प्लस क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और फाइनली लास्ट वाला देखो डब्ल्यू प्लस एम प्लस क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम, डब्ल्यू प्लस एम प्लस क्रॉस विथ वाई क्रोमोसोम। तो इस तरह से मेल के गैमेट्स, मतलब मेल के गैमेट्स बनेंगे, सॉरी मेल का एफ टू प्रोजेनी बनेगा, और ये सभी जो बनेंगे ये फीमेल एफ टू प्रोजेनी बनेंगे। सो दिस इज द एफ टू प्रोजेनी, दिस इज द एफ टू प्रोजेनी, यहां पे दोनों एक्स क्रोमोसोम है इसलिए ये फीमेल बनेंगी, और यहां पे देखो दोनों क्या है वाई सॉरी एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम, इसलिए वो बनेगा मेल। तो इस तरह से हमारे पास अभी क्या है, अभी एफ टू का प्रोजेनी है। तो इसके लिए अभी हम उसका फिनोटाइपिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनेगा फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो अब देखो यहां पे दो एक्स क्रोमोसोम है और दोनों के ऊपर डब्ल्यू एम ही है। सो मतलब ये डब्ल्यू एम दोनों रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक थे, और वो किसके कैरेक्टरिस्टिक थे, व्हाइट मिनिएचर्स। देखो डब्ल्यू एम मतलब ये जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाइट मिनिएचर फीमेल रहेगी। सो ये जो बनेगी ये व्हाइट मिनिएचर बनेगी, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक व्हाइट मिनिएचर, ओके। अब देखो दूसरे वाले में क्या है, डब्ल्यू प्लस एम है और दूसरा डब्ल्यू एम है, ओके। So, यहां पे एम एम है, इसमें कोई प्लस साइन नहीं है, पर डब्ल्यू एक क्रोमोसोम में डब्ल्यू प्लस है, तो प्लस साइन कौन सा है, ये वाइल्ड टाइप्स का है, तो ऑब्वियसली ये अपने कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, वाइल्ड टाइप्स मीन डोमिनेंट टाइप्स ऑफ जीन, तो वो खुद के कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। तो व्हाइट जो था ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए था, आई के लिए था, ठीक है। तो ये जो अभी आई जो है वो आई किस तरह से रहेगा, व्हाइट टाइप का रहेगा, नहीं रहेगा। अब आई जो रहेगा वो वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी आई रहेगा, और M के पास कोई प्लस साइन नहीं है तो वो मिनिएचर रहेगा, इसलिए इसका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कि वाइल्ड टाइप ऑफ क्यों, वाइल्ड टाइप आई एंड मिनिएचर विंग्स, इस तरह से बनेगा,
ठीक है। उसी तरह इसका देखो, इसमें क्या है, इसमें W के पास कोई प्लस साइन नहीं पर M के पास प्लस साइन है। इसका मतलब W जो है, जो व्हाइट जो है वो आज दिखेगी पर मिनिएचर विंग्स दिखेगी क्या? नहीं। तो विंग्स कैसे दिखेगी? वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी विंग्स दिखेगी। तो आप इसमें लिख सकते हो व्हाइट आई एंड वाइल्ड टाइप्स, वाइल्ड टाइप विंग्स, ठीक है। इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा यहां पे, ठीक है। एंड फाइनल ये देखो, W प्लस है, M प्लस है, मतलब W भी प्लस है और M भी प्लस है। तो ये W और M के ऊपर ये क्या होंगे, अपने डोमिनेंस ही दिखाएंगे। तो ये जो रहेगा W प्लस M प्लस किसका कैरेक्टरिस्टिक था? वाइल्ड टाइप्स का। मतलब ये जो कुछ भी फीमेल बनेगी ये कौन सी बनेगी? वाइल्ड टाइप की बनेगी। सो दिस इज द वाइल्ड टाइप, ठीक है। देखो कौन से बने, व्हाइट मिनिएचर, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई, वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई एंड मिनिएचर विंग, यहां पे मिनिएचर विंग, यहां पे व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप ऑफ विंग्स, और यहां पे वाइल्ड टाइप, ये सब भी फीमेल बने। उसी तरह मेल के लिए देखो, मेल के लिए भी फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक हमें लिखने हैं। तो मेल के लिए कौन से फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया? अभी ये सिंपली डब्ल्यू एम है, मतलब ये जो मेल बनेगा वो क्या बनेगा? व्हाइट मिनिएचर मेल। तो ये पहला जो रहेगा ये सीधा सीधा व्हाइट मिनिएचर है, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहां पे W उसके ऊपर कोई प्लस साइन नहीं है पर M के ऊपर प्लस साइन है, मतलब ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? ये व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी विंग्स, व्हाइट आई एंड वाइल्ड विंग्स, ये इस तरह से उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहां पे भी देखो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, वाइल्ड आई एंड मिनिएचर विंग्स, ठीक है। इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा मेल का। और फाइनली ये देखो W प्लस M प्लस, मतलब ये क्या है? वाइल्ड टाइप्स का है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वाइल्ड टाइप, ठीक है। इस तरह से इनके फीमेल और मेल की F2 प्रोजेनी बनेगी। तो आप ये सभी चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो हमारे पास अभी कौन से प्रोजेनी है मेल की और फीमेल की, तो हम एक बार यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं यहां तक। अब देखो कौन से थी प्रोजेनी, कौन सी बनी है प्रोजेनी, बनी है पहली एक मैं यहां पे लिख लेता हूं व्हाइट, यहां से आपको दिख रहा है क्या? पहला है, यहां से लिख लेता हूं, चलो फर्स्ट वाला जो है वो है व्हाइट मिनिएचर, ठीक है। व्हाइट मिनिएचर में मेल भी है और फीमेल भी है, सॉरी फीमेल भी है और मेल भी है, दोनों भी है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा मैं यहां पे लिख लेता हूं वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई एंड मिनिएचर विंग्स, वाइल्ड टाइप आई एंड सेकेंड आता है मिनिएचर विंग्स, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये हो गया पहला, ठीक है। थर्ड भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये सेकेंड, थर्ड
थर्ड में कौन सा है, व्हाइट टाइप ऑफ आई एंड वाइल्ड टाइप्स ऑफ विंग्स। सो यहां पे है व्हाइट आई एंड वाइल्ड टाइप विंग्स, ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला। ओके एंड फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, ठीक है। मतलब जो हमने क्रॉस किया है डायहाइब्रिड क्रॉस, उस डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट कौन से पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे व्हाइट मिनिएचर और दूसरे पेरेंट्स थे वाइल्ड टाइप्स। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दिस टू आर दी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कौन से व्हाइट मिनिएचर्स एंड वाइल्ड टाइप्स, ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये देखो वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई और मिनिएचर्स विंग्स, या फिर व्हाइट टाइप्स ऑफ आई और वाइल्ड टाइप्स ऑफ विंग्स, ये जो है वो नॉन पेरेंटल। तो आपको मैं ये दो चीजें बाद में बताने वाला हूं, वॉट इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड वॉट इज द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में प्रेजेंट था, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब पेरेंट में प्रेजेंट नहीं था। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन किसके वजह से हुआ है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग और से हुआ है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन से हुआ है। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। Why there is a non-parental? Because of the recombinations. तो यहां पर जो कुछ भी है रिकॉम्बिनेशन हुआ था। ये यहां पर भी देखो ना, W प्लस एम प्लस और W और M प्लस, ये नहीं है ये पेरेंट्स में है क्या, नहीं, पेरेंट्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, W M था या फिर W प्लस एम प्लस था। मतलब ये जो है ये गैमेट्स जो बने हैं वो क्रॉसिंग ओवर से बने हुए और उससे रिकॉम्बिनेशन होके बने हुए है, इसलिए ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज बिकॉज ऑफ दी, इसके वजह से रिकॉम्बिनेशन के वजह से हुए। तो यहां पे मैं थोड़ा अभी एक थोड़ा पार्ट जो है मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, कोशिश करता हूं। अब देखो यहां पे व्हाइट मिनिएचर्स में है कि नहीं, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो उसका मैं आपको नंबर बताता हूं कितने कितने नंबर में है। आप इस थोड़े इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लेना, मुझे क्या कहना है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं ये प्लस आपको मैं लिख लेता हूं इस तरह से, ये मेल के लिए है। तो व्हाइट मिनिएचर जो था उसमें जो मेल थे वो 390 उसको मिले, और उसको फीमेल, ये जो साइन था, ये जो साइन है वो फीमेल के लिए बनता है इस तरह से। तो ये जो फीमेल जो बनी थी वो बनी थी 359, ठीक है। मतलब व्हाइट मिनिएचर्स इसमें मेल भी और फीमेल भी है, तो मेल बने थे 391 और फीमेल जो बनी थी वो बनी थी 359। अब इस दोनों चीजों को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका टोटल बनता है 750। मतलब टोटल 750 जो है वो व्हाइट मिनिएचर्स इंडिविजुअल्स बने, ठीक है। उसी तरह मैं वाइल्ड टाइप्स आई एंड मिनिएचर विंग के लिए लिखता हूं, वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई और मिनिएचर विंग के लिए आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई मिनिएचर। 235 जो है वो फीमेल के लिए है एंड 210 ये जो है वो मेल के लिए, और यहां पे 235 ये जो है वो फीमेल के लिए, ठीक है। सो इसका टोटल अगर हम लेते हैं इसका टोटल होता है 445। उसी तरह वाइल्ड टाइप के लिए मैं लिखता हूं 352 ये जो थे वो मेल थे, प्लस इसका अगर हम करते हैं 439 ये जो थी वो फीमेल थी, ठीक है। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो 791, और फाइनल हमारे पास क्या है, व्हाइट आई, व्हाइट टाइप्स ऑफ आई एंड वाइल्ड टाइप्स ऑफ विंग्स। तो उसके लिए 237
ये ऑब्वियसली मेल के लिए है, प्लस अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए 218, ये जो है वो फीमेल के लिए, और इसका अगर हम प्लस करते हैं ये टोटल आता है 445। अब देखो मॉर्गन में जो कुछ भी इंडिविजुअल्स उसने कलेक्ट किए तो उसमें से उसको व्हाइट मिनिएचर्स इंडिविजुअल्स में इतने मेल और इतने फीमेल मिले, तो उसका टोटल कितना हुआ 750 इंडिविजुअल्स व्हाइट मिनिएचर्स के मिले। वाइल्ड टाइप्स आप आए और मिनिएचर विंग्स के टोटल कितने मिले 445। व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप्स ऑफ विंग्स के कितने मिले 445। ठीक है, सो टोटल 439। हाँ, और लास्ट वाला जो वाइल्ड टाइप्स ऑफ दी है जो है वो 791 मिले। तो यहां पे मैं थोड़ा कौन सा ये वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई, वाइल्ड टाइप ऑफ आई 235 एंड 210, उसका 445 हुआ है एंड 218, तो इसका टोटल होता है 455। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट था इसलिए, ठीक है अब बराबर हुआ, सॉरी ये इसके लिए थोड़ा था। तो इस तरह से टोटल मिले। तो इसमें बात बताने वाली बात कौन सी है, आप देखो इसमें बताने वाली बात यह है कि यहां पे 791 ये वाइल्ड टाइप का है और 750 ये वाइट मिनिएचर्स, तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों से कंपैरिजन करते हैं, आप अच्छे से देख लेना मेरी बात अच्छे से सुन लेना, इन दोनों को वाइल्ड आई और मिनिएचर विंग्स को और वाइट आई वाइल्ड टाइप्स विंग्स को अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन अगर हम करते हैं किनसे, इन दोनों से, तो इनकी जो इनके जो इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा है इन दोनों से, समझ में आ रहा है। और ये दोनों क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये क्या है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये दोनों क्या है नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो मॉर्गन ने स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट मॉर्गन का आप देखते हो कि जब डायब्रिड क्रॉस हुआ है तो इन डायब्रिड क्रॉस वॉट एवर बी द पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो कुछ भी था वो हाई परसेंटेज में था, देर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ द पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन देन द नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ये ज्यादा है किससे, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन से। ये देखो 791 और 750 ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन दोनों से ये क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे जब तो मॉर्गन ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये कैसे स्टेटमेंट दिया है, वो कौन से स्टेटमेंट है, वो भी हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से उसको पढ़ने वाले, फिलहाल आप इन चीजों को आप ध्यान में रखना, ठीक। अब इसके बाद टोटल रिकॉम्बिनेशन कितना हो उसका एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक फार्मूला बनता है, कौन सा जीन कॉम्बिनेशन का, जिसमें हमें परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, उसके लिए एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला होता है, दैट फार्मूला इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू 100, ये फार्मूला है किसके लिए, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए, कि उन दो जीन जो कुछ भी जीन है डायबिट प्रोसेस में उन जीन में टोटल रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना है ये निकालने के लिए ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, किस तरह से कंक्लूजन, किस तरह से हमें कैलकुलेशन मिलेंगे, तो इसके लिए हम
यहां पे भी मैं लिख लेता हूं, ठीक। ये देखो, सो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सेम, ठीक है। क्या क्या है यहां पे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ यहां पे रिकॉम्बिनेंट कौन से है? रिकॉम्बिनेंट ये है, वाइल्ड टाइप्स ऑफ आई और मिनिएचर विंग्स, और दूसरा कौन सा है? व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप्स ऑफ विंग्स। ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। ये पैरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट का अगर 445 और 455 इसका अगर हम टोटल कर दे तो कितना बनता है? इसका बनता है टोटल 900, ठीक है, बराबर। ये दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, ये 900 कैसे आया है? 445, ये 445 प्लस 450, इन दोनों का अगर हम प्लस करते तो टोटल आता है 900। और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब 750 प्लस 455 प्लस 445, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू 445 प्लस 455 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो कितना होगा? 750 प्लस 455 प्लस 445 प्लस 791, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, और ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हो गए इनटू 100, ठीक है। तो इसका कितना आने वाला है? इसका कितना आया है देखो, 900 डिवाइडेड बाय, इसको टोटल अगर आप करते हो तो इसका टोटल कितना बनेगा? 2441 इंटू 100, ठीक है। तो इसका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस जो आएगा वो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 36.9%। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है व्हाइट मिनिएचर्स विंग्स, ये दो जो जीन है इसमें जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 36.9, ठीक है। तो इसी 36.9 को अब मतलब ये परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस को आपको याद रखना है। सेम हम एग्जांपल्स किसके लिए लेंगे? अभी व्हाइट एंड येलो बॉडी एंड व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप्स, मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आई। सो सेकेंड वाला जो हम डायब्रिड क्रॉस करने वाले हैं उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, और उसका भी इस तरह से परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकलेगा। तो अभी इसके लिए कौन से व्हाइट मिनिएचर्स और वाइल्ड टाइप्स, इसके लिए जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना निकला है? 36.9, मतलब 37 अप्रोक्सीमेटली ये निकला हुआ, ठीक है। सो आई होप सो ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो आप मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी।